Good morning to everyone. Myself Ram Mehar Singh, Trainer Instructor, Government ITI Rawalpindi, Charkhi Dadri. आज हम आपको वर्नियर कैलिपर के बारे में पढ़ाएंगे. वर्नियर कैलिपर है क्या, ये किस धातु का बना होता है, वर्नियर कैलिपर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, इसकी बनावट क्या है और ये हमें किस साइज में उपलब्ध है. तो आज का चैप्टर है वर्नियर कैलिपर. वर्नियर कैलिपर है क्या, इंट्रोडक्शन ऑफ वर्नियर कैलिपर. वर्नियर कैलिपर एक सूक्ष्म माप यंत्र है जिसके द्वारा हम 0.001 इंच मीट्रिक इंग्लिश प्रणाली में और 0.02 मिलीमीटर की शुद्धता में माप ली जा सकती है. इसका प्रयोग बाहरी, अंदरूनी और गहराई के माप चेक करने के लिए किया जाता है. इतिहास, वर्नियर कैलिपर हिस्ट्री. हिस्ट्री ऑफ वर्नियर कैलिपर. इतिहास, वर्नियर कैलिपर का आविष्कार 1630 ईस्वी में पैरी वर्नियर ने किया था. इसके बाद इसमें लगातार सुधार करते रहे और 1800 ईस्वी में सर जोसेफ आर ब्राउन ने इसका सुधरा हुआ रूप प्रस्तुत किया. इसके बाद उन्होंने इससे संबंधित और भी वर्नियर कैलिपर से संबंधित जो अन्य औजार थे सूक्ष्म मापी यंत्र उन्होंने बनाए और जो हम आज प्रयोग कर रहे हैं वो सभी वर्नियर कैलिपर के सिद्धांत पर बनाए गए हैं. प्रिंसिपल ऑफ वर्नियर कैलिपर. प्रिंसिपल, सिद्धांत. वर्नियर कैलिपर किस सिद्धांत पर कार्य करता है. वर्नियर कैलिपर दो अनुरूप स्केलों के अंतर के आधार पर कार्य करता है. इसमें एक स्केल है मेन स्केल और दूसरी है वर्नियर स्केल. मेन स्केल और वर्नियर स्केल के भागों के मान का जो अंतर है वो वर्नियर कैलिपर का सिद्धांत है. इसके बाद आता है वर्नियर कैलिपर का मटेरियल. वर्नियर कैलिपर प्राय निकल क्रोमियम स्टील के बनाए जाते हैं. वर्नियर निकल क्रोमियम स्टील के ही क्यों बनाए जाते हैं. अगर हम इनको घटिया मटेरियल का बनाएंगे तो इसकी जो शुद्धता है उसमें कमी आ जाएगी, क्योंकि उनके ऊपर जो निकल क्रोमियम स्टील है उसके ऊपर गर्मी, सर्दी या बरसात का कोई प्रभाव नहीं पड़ता. इसलिए इसकी शुद्धता को बनाए रखने के लिए बढ़िया क्वालिटी का जो मटेरियल है वो यूज किया जाता है. इसके बाद आता है वर्नियर कैलिपर का साइज. वर्नियर कैलिपर प्राय 150 mm से 300 mm तक मीट्रिक प्रणाली में और 6 इंच से 24 इंच तक ब्रिटिश प्रणाली में बाजार में आसानी से मिल जाते हैं. इसके बाद आता है वर्नियर कैलिपर की बनावट या वर्नियर कैलिपर के पार्ट्स. पार्ट्स ऑफ वर्नियर कैलिपर. फर्स्ट पॉइंट है मेन स्केल. वर्नियर कैलिपर का जो महत्वपूर्ण भाग होता है वो है मेन स्केल, क्योंकि इसी के ऊपर वर्नियर कैलिपर के सभी माप अंकित होते हैं. इसमें दो स्केल बनी होती है, एक होती है मीट्रिक स्केल और इसके नीचे बनी होती है इंग्लिश स्केल. नंबर दो होता है पिच का. पिच का होती है वो मेन स्केल के साथ 90 डिग्री के साथ अटैच होती है. नंबर तीन मूवेबल जा. मूवेबल जा को हम अपनी सुविधा के अनुसार साइज लेने के लिए आगे पीछे कहीं भी सेट कर सकते हैं. नंबर चार इनसाइड जा.
इनसाइड जा का प्रयोग किसी भी स्लॉट का अंदर का व्यास तय करने के लिए इनसाइड जा का प्रयोग किया जाता है। नंबर पांच, वर्नियर स्केल। वर्नियर स्केल मूवेबल जा के साथ फिक्स होती है। जो वर्नियर स्केल बनी होती है वो मेन स्केल और वर्नियर स्केल के अंतर के साथ बनाई जाती है। उसके बाद आता है लॉगिंग स्क्रू। लॉगिंग स्क्रू क्या काम आता है? लॉगिंग स्क्रू का काम होता है जब भी हम किसी जॉब का माप लेते हैं तो उस माप को फिक्स करने के लिए लॉगिंग स्क्रू का प्रयोग किया जाता है, ताकि हमारे द्वारा जो लिया गया माप है वो सही और शुद्धता में प्राप्त किया जा सके। नंबर सात, फाइन एडजस्टिंग स्क्रू। फाइन एडजस्टिंग स्क्रू वर्नियर स्केल के साथ जुड़ा होता है और इसका काम होता है किसी भी फाइन एडजस्टमेंट के लिए नाप लेना। नंबर आठ, डेप्थ गेज या डेप्थ बीम। डेप्थ गेज का प्रयोग हम किसी भी गहराई का माप लेने के लिए, जैसे कि हमने किसी भी जॉब के अंदर ड्रिल कर दिया, जो ये ड्रिल किया हुआ हमने इसका साइज चेक करने के लिए हम डेप्थ गेज का प्रयोग करेंगे। तो आज का चैप्टर था वर्नियर कैलिपर, वर्नियर कैलिपर का इंट्रोडक्शन, वर्नियर कैलिपर की हिस्ट्री, प्रिंसिपल ऑफ वर्नियर कैलिपर, मटेरियल ऑफ वर्नियर कैलिपर, साइज, पार्ट्स वर्नियर कैलिपर के। तो आज का हमारा जो चैप्टर था वो यहीं फिनिश होता है। थैंक्स। आप हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें, ताकि हम आगे और अच्छी वीडियो बना सकें। थैंक्स।